तो राइट नाउ सीन ये है कि कल हमने गाड़ी ले ली थी, जैसे कि आपने देखा है लास्ट वाले व्लॉग में, और आज वो सेम डे ही चल रहा है। तो एक्चुअली कल नहीं, हमने आज ही गाड़ी ली थी। आज 20 अप्रैल है और आज हम जा रहे हैं यहाँ से पुणे से रायपुर। फ़िलहाल मैं पुरानी वाली I-10 पे बैठा हुआ हूँ, जो भैया की जो I-10 ले करके हम लोग अलीबाग गए थे, उस I-10 में बैठा हुआ हूँ। गाड़ी का जो हमने सीट कवर का काम करने के लिए दिया था, उसने बोला था 2-2.5 घंटे लगेंगे। इस बीच में हम अपने फ्लैट आ गए और अपना जो भी सामान वगैरह पैक तो पहले से ही रखा हुआ था। थोड़ा सा आधे घंटे का पावर नैप ले लिया, रिफ़्रेश हो गए। अब अपना पूरा जो लगेज है ये इसी कार में डाल करके हम सीधे जा रहे हैं, वो वाली गाड़ी पिक करेंगे। देन ये गाड़ी दीपक भैया को मैं रिटर्न करूँगा, तो हम लोग वहाँ जाएंगे कालेवाड़ी फाटा, और वहाँ से फिर भैया को नई वाली गाड़ी भी दिखा देंगे। एंड देन वहाँ से हम लोग जाएंगे रायपुर। तो ये रही अपनी नियोस, सीट का काम हो चुका है। क्या बात है, क्या नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा ना, रहेगा वो एकदम फिटिंग थोड़ी ना जाएगा। वो वहाँ पे जॉइंट है ना, वो सिला है वहाँ पे, थोड़ा तो रहेगा। ये है सामने से, ये सीट कलर लेदर की सीट है ये, और ये कलर कॉम्बिनेशन गाड़ी के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसीलिए ये कंपनी से जो था ना, उसमें जो लेदर वो की क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा पुअर लग रही थी। कलर कॉम्बिनेशन हालांकि एग्जैक्टली सेम था, बिल्कुल इसी पैटर्न की सीट थी जो कंपनी की थी, तो हमने सेम डिज़ाइन यहाँ दिया और सीट बाहर से बनवा ली। सेक्सी लग रही गाड़ी अपनी, और यहाँ से इसका व्यू आराम आराम से 40-50 की स्पीड में चल रहे हैं। और शोरूम से आज ही निकली गाड़ी, और देखो 17.5 का एवरेज दे रही, 17.3 इसमें एवरेज दिखा रहा है। बहुत ही इकोनॉमिकल चल रहे हैं हम लोग, और आई एम श्योर इतना ज़्यादा एवरेज हर किसी को मिलता नहीं होगा शोरूम से निकले वाले दिन गाड़ी से। आगे हाईवे बिल्कुल ऐसा ही है, अंधेरा अंधेरा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको रास्ते का कुछ सीन नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है अंधेरे में। या तो इस तरह से खाली हाईवे अंधेरे वाला, या तो फिर एकदम ज़्यादा ट्रैफिक होता है, दोनों ही चीज़ें देख के आप बोर होने वाले हैं। तो इसलिए फ़िलहाल हम लोग अपनी मस्ती से चल रहे हैं, और आगे अहमदनगर से पहले कहीं पर हम लोग डिनर के लिए रुकने वाले हैं, तो वहाँ पर डिनर करेंगे फिर आगे जाएंगे हम लोग औरंगाबाद की तरफ। तो अपडेट ये है कि अभी रात के लगभग 10:25 का टाइम हो रहा है, और हम लोग अहमदनगर से 45 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं डिनर के लिए, क्योंकि अहमदनगर पहुंचते पहुंचते करीब करीब रात के 11:30 बज जाएंगे। यहाँ से 45 किलोमीटर है, और वहाँ से हमको जाना है औरंगाबाद। आज का नाइट स्टे हम औरंगाबाद में करेंगे। रात के समय मैं बहुत ज़्यादा आपको जो ड्राइविंग का जो पोर्शन है वो नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि रात को अंधेरे में वैसे भी कुछ दिखता नहीं है हाईवे पे। कल मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा जो भी रास्ते में हम देखते चलेंगे। रीज़न ये है कि ये हम प्लान कर रहे हैं कि औरंगाबाद से हम एलोरा चले जाएँ, तो अगर वो प्लान होता है तो एलोरा की जो गुफाएँ हैं और वहाँ का जो बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, मैं आपको वो भी दिखाते चलूँगा। फिलहाल हम लोग होटल गुरु कृपा प्योर वेज में रुके हुए हैं। एक्चुअली होटल गुरु कृपा प्योर वेज है तो यहाँ रुके हुए हैं, डिनर करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, आज नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है। रात को हम लोग जब खाना वाना खा के निकले थे, उसके बाद अहमदनगर में एक बार चाय के लिए रुके थे, एंड डायरेक्टली आ गए औरंगाबाद। औरंगाबाद में करीब करीब सुबह 4 बजे हम लोग पहुँचे थे, एंड रूम हमने कॉल करके बुक कर रखा था, तो काफ़ी अच्छा हो गया। ये रूम है हमारा,
होटल प्रीतम करके है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में है। साफ सुथरा डिसेंट सा रूम है, एसी रूम है। रात को सोने के लिए बहुत परफेक्ट था। बाथरूम भी ठीक ठाक है, वेस्टर्न कबोर्ड है और गर्म पानी भी आता है, सबसे अच्छी बात यह है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11, नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं एलोरा विश्वेश्वर टेम्पल के दर्शन करने के लिए। तो अब दिन का समय है, अब मैं आपको रास्ते की चीज़ें भी दिखाते चलूँगा और साथ में दिखाते चलूँगा जो भी प्लेसेस हम लोग रास्ते में विजिट करेंगे। एक और बात गाड़ी के बारे में बता दूँ कि गाड़ी जो है रात को 21 किलोमीटर का एवरेज दे रही थी। सोचो, शोरूम से गाड़ी निकाला और फर्स्ट डे ही गाड़ी 21 का एवरेज दे रही थी, क्योंकि काफ़ी इकोनॉमिकल स्पीड में हम लोग आ रहे थे, 40-50 की स्पीड में। तो धीरे धीरे जो एवरेज पुणे से, मतलब 12 से चालू हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते रास्ते में मैंने आपको दिखाया था 17 पहुंच गया था, और 17 से वो औरंगाबाद पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर की जब ट्रैवलिंग हो गई, सॉरी 250 किलोमीटर की ट्रैवलिंग जब हो गई, तो वो एवरेज पहुँच गया था 21.3। तो देखते हैं आज वो एवरेज हम मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, दिन में कम होता है या फिर और बढ़ता है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल अतरा छत्तीसगढ़ के साथ। औरंगाबाद के आसपास घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं, जैसे अजंता एलोरा की केव, शिरडी, शनि शिंगणापुर, इवन नासिक भी यहाँ से 100 किलोमीटर के रेंज में ही है। तो अगर आप यहाँ ठंड या बरसात के मौसम में आते हैं तो आप आराम से 2 से 3 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, पार्किंग में कार जो है वो पार्क कर दी है, वो ले रहे हैं ना, हम दोनों साथ में ही हैं। तो बो नहीं करना तो डबल डबल थोड़ी ना लेंगे, नहीं एक एक नहीं चाहिए एक, अरे वो ले लिया ना और क्या। अरे हमारा बो नहीं करना है, उसको पूछो। अरे माता का सिंगार क्या क्या दे रही है, देखो ये पार्वती भी चढ़ेगा। कितने का हुआ टोटल? 20 का फूल है, 20 का रहा, 50 की चुनरी, 20 का पैसा टोटल कितने का पैसा दो। पार्वती का पूजा होता है, वो नहीं होता, मेरे पता है, मैं गया हूं 2-3 बार आ चुका हूं। नहीं चला ना तो पैसा मत दो, चला तो पैसा दो, नहीं चला तो ये क्या मत दो। चलो और क्या लूं, करो ये तो ना तो लगा दिए इन्होंने, कितना बना दिए, पूजा करके पैसा दो, पूजा करके पैसा दो, पूरा ही पूजा करेंगे। ये है मंदिर का एंट्रेंस, और ले लिया नहीं यहाँ से ऐसा है, बाप रे इसमें से ही गाड़ी निकाल दी है इसने। काफी पुराना मंदिर है और यहीं पे एलोरा केव्स भी है, बनेगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर कुछ और जो भी रास्ते में रहेगा। वो सामने नज़र आ रहा है कृष्णेश्वर महादेव का मंदिर, वो वाला गन्नारस और प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं, स्नैक्स सेंटर भी है, स्नैक्स सेंटर। और ये बता रहे थे कि यहाँ पे अंदर मोबाइल कैमरा वगैरह सब लेने नहीं दिया जाता है, बाहर मंदिर के लॉकर में जमा करा देते हैं। तो हम लोग भी अपना मोबाइल कैमरा, शूज़ वगैरह सारी चीज़ें बाहर लॉकर में जमा करा देंगे। तो अंदर का मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पॉसिबल हुआ तो मंदिर का प्रीमाइसिस जरूर दिखाऊंगा। ओ रतनपुर वगैरह जैसे अपने यहाँ है वैसे ही दिख रहा है। मंदिर दर्शन कर लिए हम लोगों ने, अंदर मेन एंट्रेंस से ही मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं था, बाहर लॉकर बने हुए थे शॉप्स पे, अलग अलग पर्सनल प्राइवेट शॉप्स हैं, मंदिर ट्रस्ट के साइड से नहीं है, तो वहाँ पे जमा करवाना रहता है। 5 रुपये पर आइटम चार्ज लिया उसने, पर अंदर मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे से हुए। जितनी देर चाहे आप उतनी देर अंदर गर्भगृह में रह सकते हैं,
और बाकायदा भगवान को छू करके दर्शन होते हैं। बस एक रूल है कि आपको अपर बॉडी के जो भी कपड़े हैं वो निकालने होंगे, टी शर्ट बनियान जो भी आपने पहना हुआ है वो सब कुछ निकालना पड़ेगा। पर दर्शन बहुत अच्छे से हुए और बहुत अच्छा मंदिर है। आई मस्ट सजेस्ट कि आप अगर आ रहे हैं इस तरफ, जैसे आप शिरडी आ रहे हैं, नासिक आ रहे हैं या शनि सिंहपुर आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी ज़रूर विज़िट करिएगा। शिरडी वगैरह से तो बहुत पास है, नासिक से भी आई गेस पास ही पड़ेगा, तो बहुत ही अच्छा प्लेस है। आके आप कम से कम हाफ डे स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे, इतना अच्छा है। हाँ, एलोरा गुफा है, एलोरा गुफा है, एलोरा गुफा भद्रा मारुति। अच्छा, और 15 किलोमीटर एक किला है। ओके, किले के बाद एक मिनी ताजमहल। ठीक है, और ये सब जो मंदिर दिख रहे हैं ये भी पुराने मंदिर है या अभी बाद में बने वाले हैं? ये तो मेरे को मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, एक एक दो जैसे अपने को उधर शुरुआत में दिखा कुंड। हाँ, कुंड पुराने जमाने, पुराने जमाने का है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप आएंगे तो पूरा पूरा दिन या आधा दिन कम से कम आप आराम से स्पेंड कर सकते हैं। एलोरा केव्स हैं, हनुमान जी का मंदिर है और लाल वाला ताजमहल है, करीब 15 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से। और हम बैठ गए गाड़ी में, ये पंडित जी से स्पेशली मांग के फूल मांगा था प्रसाद के लिए गाड़ी पे चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने शिव जी पर चढ़ी हुई माला दे दी प्रसाद स्वरूप। चलो अच्छा है, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया। Now on the way to Nagpur। देखो, कल रात को मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारी जो कार है वो 17.3 का एवरेज दे रही है, अभी ये 22.2 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है, जबकि अभी दिन का टाइम है, अच्छी खासी धूप है, हम एसी कंटिन्यूएशन में चला रहे हैं, पर फिर भी कार का एवरेज बहुत अच्छा है। और उतने ही अच्छे हैं ये रास्ते जिनसे गूगल हमें लेकर के जा रहा है। एक्चुअली पुणे से नागपुर के लिए स्ट्रेट हाईवे है, आपको कहीं पे भी मुड़ना नहीं है, कहीं पे कोई डाइवर्जन नहीं लेना है, लेकिन अगर आप गूगल को फॉलो करते करते आ रहे हैं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो गूगल आपको किसी बहुत अच्छी सी जगह पे ले जाएगा, जैसे हम जा रहे हैं ये पहाड़, ये नदियाँ, घाट सेक्शन और भी बहुत सारा कुछ, या तो वो आपको किसी गाँव के अंदर से लेकर के जाएगा जहाँ आपको लगेगा कि कार जा तो सकती है, लेकिन कार को वहाँ से निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। फिलहाल हम जब कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करके एलोरा से निकले तो गूगल माता हमें अजंता से लेकर के ज्ञानदीप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले रास्ते से लेकर के जा रही है, जो रास्ता आगे जा करके मिलेगा सीधे अकोला में, और अकोला से हम जाएंगे नागपुर। टोटल ये जर्नी लगभग 300 किलोमीटर की है, लेकिन ये रास्ता इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का जो एरिया है, छोटे छोटे घाट वाले सेक्शन हैं, और गर्मियों में ये जो सूखी घास है, तो अलग ही मज़ा आ रहा है। और गाड़ी तो अपनी धीरे धीरे चली रही है, तो किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं है, हम रास्ते को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राइट नाउ बलवाना ऐसा कोई जगह है, बलवाना वहाँ पे जंगल सफारी यहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ पे रुके हैं अभी लंच करने के लिए। शाम को 5 बजे का टाइम हो रहा है और अभी लंच कर रहे हैं, भूख लगी नहीं रही है, बस एक फॉर्मलिटी के लिए लंच कर रहे हैं, थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा। तो जिस जंगल सफारी की मैं बात कर रहा था कि हम उसके बॉर्डर पे बैठ के लंच कर रहे हैं, अभी हम उसी जंगल सफारी के बीच से निकल रहे हैं। गूगल माता पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलवा रही है और क्या क्या एडवेंचर करवा रही है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ का जो व्यू है, मतलब सूखी सूखी पीली वाली घास और इतना बेहतरीन सा ये रास्ता, मतलब ऑसम है यार, ऑसम। ब्रेकर भी ऑसम है। मेरे को चिल्फी घाटी की याद आ रही है, जब चिल्फी घाटी गया था तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, बड़े बड़े पेड़ थे,
देखो छोटा सा घाट सेक्शन भी है यहाँ पे भी। वाओ, ऐसे में ड्राइव करने का मजा ही अलग है। दिख रहा है ये सूखे पेड़, सूखी घास, क्या बेहतरीन लुक आ रहा है, क्या व्यू आ रहा है। ऑल दो इस जंगल में कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक जंगली जानवर नहीं है, भालू का ही बता रहे थे वो लोग, बट स्टिल जंगल तो जंगल होता है, क्या पता क्या सरप्राइज दे दे। वाह, बिल्कुल ना सनसेट वाला टाइम हो रहा है, शाम के 6:15 का टाइम हो रहा है, अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, और उसके पहले का ये खूबसूरत नज़ारा, ये ठंडक, ये मतलब ये सड़कें, यही तो है यार सफ़रनामा, यही तो है। मंजिल से किसी को क्या लेना देना, असली मज़ा तो सफ़रनामे में है। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। हम लोग जा रहे थे और यहाँ का व्यू देखे तो अपने आप को रोके बिना रह नहीं पाए, हालांकि हम बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं, बट ज़रा मेरे पीछे देखो, पानी के अंदर डूबे हुए सूखे सूखे पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, उसके पीछे का वो ग्रीन ग्रास लैंड, ये खुली खुली सी सड़क, एक ओवर ब्रिज, पीछे देखो दो पहाड़ दूर में नज़र आ रहे हैं, और उन्हीं पहाड़ों के पास से सनसेट हो रहा था, जो अभी जस्ट हो गया सनसेट, हमने देखा सनसेट होते हुए, बिल्कुल ऐसा 20-25% जैसा बचा हुआ था सनसेट, और बहुत ही खूबसूरत। इधर देखो चिड़िया, बहुत सारे पक्षी जो हैं वो गोल 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 घूम रहे हैं और अपने घरों को जाने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरह ये जो परिंदे हैं वो भी अपने अपने घरों को जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही औसम नज़ारा, और उस पर ये जो हवा चल रही इतनी प्यारी सी, एकदम तेज वाली, देख सकते हो कि मेरे शर्ट हिल रही है पूरी हवा से। तो ये और चार, सॉरी भूल गया था कि हाईवे पे ये चीज़ होती रहती है, हॉर्न वाली चीज़ें कभी बंद नहीं होती है, तो ये और चार चांद लगा देती है। सौरभ जी अपनी नई नई गाड़ी की फोटोज ले रहे हैं, और अब मैं जा रहा हूँ, मैं उनकी फोटो ले लेता हूँ, अगर कोई अंधेरा हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। ये वाला व्यू तो देख लिया आपने सिनेमैटिक शॉट्स में, और इधर का व्यू देखो, उधर जैसे पेड़ नज़र आ रहे हैं, पक्षी नज़र आ रहे हैं, इस तरफ देखो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, दूर दूर तक पूरी एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। रायगढ़ फोर्ट यहीं पे पास में कहीं पे है, जब हम खाना खाने रुके थे तो सौरभ जी देख रहे थे। औसम यार, औसम, मतलब अगर ये चीज़ हमको जब हम काशीद बीच से वापस आ रहे थे तो मिल गई होती तो हम नहा चुके होते हैं यहाँ पे, किसी भी हाल में रुक के नहा लेते हम। क्या बेहतरीन व्यू है यार, सीरियसली इससे ज्यादा बेहतरीन रास्ते की खूबसूरती हो ही नहीं सकती। तो फिलहाल अपडेट ये है कि अमरावती नागपुर हाईवे पे एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे हमने कार खड़ी कर दी थी, हम रात को करीब 1 बजे यहाँ पे पहुँचे थे और यहीं पे सो गए थे, कार में ही सो गए थे। इसके पहले हमने एक ढाबा में ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पे ढाबा वाले ने ये बोल दिया कि भैया 2 बज रहे हैं, ढाबा बंद होने का टाइम हो रहा है, और मैं सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स को ही सोने दूंगा। उसके पास में खाट थी, हमने 2-4 ढाबे देख करके बकायदा उस ढाबे पे जाके गाड़ी रोकी थी कि वहाँ खाट है, थोड़ी देर खाट में कमर सीधी कर लेंगे। उसके खाट बाहर ही रखे थे, उसे बस जो खाने के लिए जो पटिया बिछाते हैं खाट के ऊपर, वो पटिया हटाना था, पर उसने एग्री नहीं किया। पहली बार मैंने ऐसे देखा, और वो खाट बाहर रखे थे, हमने जहाँ रखे थे वहीं सोना था, बस पटिया हटाने के लिए उसको बोला, नहीं माना। वो बोलता है कि पहले उसने बोला कि ट्रक ड्राइवर्स आते हैं, वो आराम करते हैं, बाद में उसने हमें बोला कि आप पटिया हटा करके सो जाइए। तीसरी बार में बोलता है कि नहीं भैया, पुलिस आती है और पुलिस सवाल पूछेगी। मैं बोला सवाल पूछेगी तो हम बता देंगे, हम इतने लंबे से आ रहे हैं, 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे आराम कर रहे हैं।
तो बोलते हैं नहीं नहीं हमको प्रॉब्लम होती है एंड ऑल दैट। तो फिर हमने बोला कि ठीक है चलो इससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे चलते हैं। और आगे आकर के फिर हमने यहाँ पे पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ी जो है खड़ी कर दी। नज़ारा जो है काफ़ी ब्यूटीफुल है, सामने देखिए पूरा हिली एरिया है, अप डाउन और एक्सप्रेस वे जैसा ये हाईवे है, काफ़ी बेहतरीन बनाया है। खाने पीने की व्यवस्था आपको रात भर मिल जाएगी, रुकने की, टॉयलेट पानी सारी चीज़ की व्यवस्था मिल जाएगी। फ़िलहाल वो खड़ी हुई है हमारी कार, मैं उठ गया हूँ, सौरभ जी सो रहे हैं, और अच्छे से मस्त यहाँ पे वॉशरूम में जाकर के मैं फ्रेश भी हो गया हूँ, और बढ़िया पीने का ठंडा पानी था जो मैंने पी भी लिया। और एक बार हाथ मुँह धोने के बाद उस ठंडे पानी से भी मैंने मुँह धो लिया। तो अब यहाँ से नागपुर जो है वो करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है और रायपुर है 373 किलोमीटर की दूरी पर। रायपुर का जो टोटल डिस्टेंस है, जो टाइम है एज़ पर गूगल मैप करीब 7.5 घंटे का दिखा रहा है, और नागपुर दिखा रहा है करीब करीब 2-2.5 घंटे का। तो मुझे उम्मीद है कि हम 6 बजे तक नागपुर पहुंच जाएंगे। एग्जैक्ट 100 किलोमीटर है, और जैसे ही नागपुर पहुंचेंगे सबसे पहले वहां पे पोहा खाएंगे और चाय पियेंगे। तो चलिए आपसे मैं मुलाकात करता हूँ सीधे सीधे नागपुर में, क्योंकि अभी प्योर अंधेरे वाला टाइम है और इस टाइम पे मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकता हूँ मुझे कवर भी करना है, क्योंकि नई गाड़ी है उसकी स्पीड हम 50-60 से ऊपर नहीं ले जा सकते, तो वही हमारी एवरेज स्पीड होगी। तो इस ड्यूरेशन में जो खाली सड़क हमें मिल रही है वो हमें यूटिलाइज करनी है। रात को वर्धा एरिया के जब उस एक्सप्रेसवे वाले पेट्रोल पंप से हम निकले तो उसके बाद नागपुर क्रॉस होते ही रात से दिन वाला ट्रांजेक्शन हो गया था, तो इसलिए हमने ब्लॉगिंग से ज़्यादा ड्राइविंग पे फोकस किया और लगभग दोपहर के 2 बजे हम रायपुर पहुंच चुके थे। ये चालू हो गई। कार किसकी कार है? शोरूम से निकलकर घर पहुंचने तक की हमारी टोटल जर्नी 1170 किलोमीटर की थी, जो हमने लगभग 40 घंटे में पूरी की। आई होप दोस्तों आपको हमारा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा।